जनपद संभल के गुन्नौर विधानसभा से भाजपा के विधायक ने प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। जब से प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तभी से जनपद संभल के गुन्नौर विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक अजीत कुमार उर्फ राजू प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल निशान खड़े करते रहे हैं। जनपद संभल के जिला मुख्यालय भेजोई पर आज अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में पहुंचे गुन्नौर विधायक अजीत कुमार उर्फ राजू ने जनपद के प्रभारी मंत्री बलदेव सिंह ओलक के सामने ही प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। गुन्नौर विधायक ने कहा कि सरकार द्वारा खोले गए राजकीय धान क्रय केंद्र पर किसान के धान खरीदने वाला कोई भी व्यक्ति ही मौजूद नहीं है, तो किसान को सरकार की योजना का लाभ किस तरह मिल पाएगा। वहीं पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि जनपद की सभी चौकियों और थानों में दलाली चल रही है, यहाँ पर गरीब लोगों को पैसों के अभाव में न्याय नहीं मिल पा रहा। वहीं जनपद के प्रभारी मंत्री बलदेव सिंह ओलक ने कहा कि इस विषय में विधायक जी और जिलाध्यक्ष के साथ बैठकर वार्ता की जाएगी। नेता को पार्टी के वरिष्ठ लोगों को बात रखने का मौका मिलता है और वो अपने उन्होंने बात रखी है और जो बात रखी है बैठ के उसकी चर्चा करें। नहीं सब लोग मैं जो आपसे कह रहा हूँ, हमारी जिलाध्यक्ष हमारे विधायक जी पूर्व विधायक पूर्व जिलाध्यक्ष जी और पूर्व विधायक सब लोग हम लोग बैठे हैं और किसी विषय पर चर्चा हुई है, हम चर्चा करके उसका समाधान करेंगे, यही बेहतर है। जो प्रमुख समस्या है उनको लेकर के उसमें बताया गया है कि सबसे पहले तो ये है कि हमारे जनपद संभल के अंदर किसानों के लिए जो धान विक्रय केंद्र है वहाँ पर कोई भी धान खरीदने वाला नहीं है, जिससे किसानों को सही रेट मिल सके। जो सरकार की योजना है उसका लाभ किसानों को मिल ही नहीं रहा। दूसरी समस्या हमने अवगत कराई है कि थानों में और चौकियों में खुल के दलाली हो रही है और गरीब आदमी को तो न्याय बिना पैसों के भी नहीं मिल रहा। और दूसरी समस्या है तमाम अवैध रूप से बिल बनाए जा रहे हैं।